ठाणे जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे व सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने शुक्रवार को उल्लासनगर का दौरा किया। मनपा भवन में उन्होंने महापौर लीलाबाई अशान, मनपा आयुक्त समीर उनाले, एसीपी डीडी टेले, एसडीओ जगत सिंह गिड़ासे, सेंट्रल सीनियर पीआई सुधाकर सोराटकर, विधायक कुमार ऐलानी, विधायक डॉक्टर बालाजी केनेकर, उप महापौर भगवान बालेराव, शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी, धनंजय बुढ़ारे, डॉक्टर प्रकाश नाथानी, सुनील चौधरी व अन्य से मुलाकात की। पालक मंत्री ने शहर में कोरोना के खिलाफ चल रही जंग के संबंध में जानकारी ली एवं मनपा आयुक्त व संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। डिस्चार्ज रेट वाढला पाहिजे आणि कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग जे आहे ते वाढवलं पाहिजे। एक पॉझिटिव्ह झाला तर त्याच्या संपर्कात आलेले सगळेजण यांना शोधून त्यांना क्वारंटाईन करण्याची आवश्यकता आहे। तर ही खऱ्या अर्थाने आपली जी चेन ब्रेक होऊ शकेल आणि म्हणून तशा प्रकारच्या सूचना दिलेल्या आहेत। ते जी काय फॅसिलिटी आहे बेडची, ती कॅपॅसिटी वाढवण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत। त्याचबरोबर जे डॉक्टर्स आणि स्टाफ नर्सेस जे आहेत यांना कोविडच्या पिरियडमध्ये कालावधीमध्ये काही इन्सेंटिव्ह द्यावा लागेल अशा प्रकारच्या देखील सूचना दिलेल्या आहेत। त्याचबरोबर ॲम्ब्युलन्सची काही कमतरता होती तर कलेक्टर जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले म्हणून 8 ॲम्ब्युलन्स, 2 कार्डिएक आणि 6 रेग्युलर ॲम्ब्युलन्स या देखील ऑक्सिजनच्या त्या देखील घेण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत। त्याचबरोबर जे ताबडतोबीने कोविडची डेथ झाली पाहिजे त्यासाठी इस दौरान विधायक कुमार ऐलानी ने शहर में कोरोना से चल रही जंग में आ रही दिक्कतों के बारे में पालक मंत्री से बात की। आज वो एम्बुलेंस की हमारे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने, पालक मंत्री ने वो जरूरत पूरी कर दी। 8 एम्बुलेंस का उन्होंने प्रॉमिस किया और साथ साथ में 2 8 में से 2 जो है गार्डक एम्बुलेंस रहे। उसके अलावा जो डॉक्टर्स लोग की यहाँ पे कमी थी, जो हम बार बार चिल्ला रहे थे यहाँ पे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है, वो डॉक्टर्स इसके लिए नहीं आ रहे थे क्योंकि उनको सैलरी की ऑफर कम थी। 45,000 में कोई भी डॉक्टर आने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी आज हमारे आदरणीय पालक मंत्री ने उनकी सीधा 80,000 रुपये देने का वायदा किया कि उनको 80,000 रुपये दे दीजिए। खाने की तकलीफ थी, खाने के लिए भी जो भी सुविधा है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए कहा। जिसको अगर रूम में गर्म पानी चाहिए तो हर जगह पे गर्म पानी की सुविधा दी, उनको ऑरेंज देने के लिए दिया, दवाई के लिए दिया, जो जो चीज़ों की ज़रूरत थी आज वो उन्होंने ज़रूरत पूरी की। आज मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके अलावा और बेड्स की भी तैयारी करने के लिए, जैसा प्लेटिनम हॉस्पिटल है उसमें 200 बेड नए लगा के वहाँ पे एक्स्ट्रा सुविधा रखने के लिए भी वो तैयारी चल रही है। और उसके अलावा भी आगे भी कम से कम 1,000 बेड की उल्लासनगर में नई सुविधा हो रही है। वहीं डॉक्टर प्रकाश नाथानी ने डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ सहित अन्य समस्याओं के बारे में पालक मंत्री से चर्चा की। की वजह से जो डॉक्टरों को 45,000 रुपये उन्होंने जाहिरनामा निकाला था उसमें डॉक्टर नहीं आ रहे थे, तो हमारी डिमांड थी उसको बढ़ा के देंगे तो अच्छा होगा। तो आज वो पालक मंत्री साहब ने आयुक्त को आदेश दिया कि MBBS को मिनिमम MBBS को 80,000 रुपये देना चाहिए और MD को 2 लाख रुपये देना चाहिए पगार, और स्टाफ को 20,000 रुपये देना चाहिए जो मेडिकल पैरा स्टाफ है जो वार्ड बॉय है उनको।